उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला इस समय भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। विपक्ष में बैठे जितने भी सियासी लड़ैया हैं सभी ने यहां पहुंचने की होड़ लगा रखी है। इसी कड़ी में बुधवार को राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ लखीमपुर खीरी के नाम पर रण शुरू कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी पहले से ही मोर्चे पर डटी हुई है। लंबे घमासान के बीच मिली इजाजत के बाद बुधवार रात राहुल प्रियंका लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले लवप्रीत के परिवार से मुलाकात की और पलियाकला में लवप्रीत के माता पिता और दोनों बहनों से राहुल प्रियंका ने बातचीत की और ढांढस बंधाया। यहां से मिलने के बाद दोनों नेता निघासन में मृतक पत्रकार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने फिर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए। और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही उनको। हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर एफआईआर के, बगैर ऑर्डर के?